वीडियो जो मैं बनाने के लिए गया था, मतलब जो फुटेज आप लोग देखोगे 2 दिन बाद, शायद से मैं पहले ये डालूंगा या तो वो। तो मैं गया था बाइक को पेट्रोल भरवाने के लिए, बाइक का फुल टैंक किया था और मोटो ब्लॉग भी किया था। तो ऐसे ही आप लोग को पता चलेगा कि मेरा जो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं बोला था कि खड़गपुर आए और आइसक्रीम नहीं खाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो अभी थंबनेल में जो फोटो आप लोग देखे हो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं मोटो ब्लॉग उधर ख़त्म करने के बाद, आप लोग को पता है मोटो ब्लॉग ख़त्म किया उधर, तो ख़त्म करने के बाद मैं बाइक को स्टैंड करके जिधर मैं हमेशा आइसक्रीम खाता हूँ जब भी आता हूँ मेरे दोस्त के साथ, जब भी रहता हूँ या फिर अकेला, तो आइसक्रीम खाता हूँ उधर आके। तो मैं ऐसे ही बाइक में ऐसे ऐसे करके खड़ा था, बस बाइक पे हेलमेट वेलमेट सब सब कुछ खोल के मैं खड़ा था, मेरा कैमरा भी ऑफ था तभी। 15 मिनट बाद अचानक से देखा दो बंदा स्कूटी में आए, जो थंबनेल में आप लोग देखे हो वो दो बंदा स्कूटी में आए। तो स्कूटी में आने के बाद उन लोग का लगभग स्पीड था, वो एक लंबा स्ट्रेच था जिधर आप लोग भगा सकते हो अच्छे खासे, तो रेज एडर स्कूटी था यामा का, तो कम से कम उन लोग का 70 का स्पीड था ही था, मुझे पता है 70 का स्पीड था। मैं ऐसे खड़ा था, मेरे साइड से आया था, आप लोग को अगर फुटेज में देखना अच्छे से पिक्चर में, तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस, मतलब मैं इधर हूँ और शायद से दो, मुझे पता नहीं, मतलब इस दरवाजा से मैं जिधर खड़ा हूँ इतना ही डिस्टेंस में वो लोग आके गिर गए। कैसे? 70 का स्पीड था, वो लोग थोड़ा सा ड्रिंक करके था बंदा, आप लोग फुटेज देखेंगे जब पता चल जाएगा आप लोग को, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, नहीं तो उन लोग के पास हेलमेट था नहीं कुछ था। तो करने के बाद वो लोग बहुत ही फास्ट चला रहे थे, जब मैं सामने देखा मेरे सामने आ रहे थे, मतलब मैं एकदम स्टॉप हो गया, क्या करना है मुझे खुद नहीं पता, मतलब उन लोग की वजह से मैं भी मैं ठुक क्या जाता, मतलब एक रास्ता खत्म हो जाने के बाद जो डाउन होता है ना, तो डाउन में मतलब ऐसी तरह से मारता हो मुझे पूरा, वो तो गया भाई, मुझे क्या करे, वो लोग खुद के कर्मा के लिए चला गया, मतलब ऐसा हुआ उन लोग के साथ। तो मुझे मारता मैं भी चला जाता नीचे, मेरा भी एक बड़ा एक्सीडेंट होता, बहुत ही बड़ा, क्योंकि 70 का स्पीड मतलब आप लोग समझ पा रहे हो। তো ভাই গাইস স্পিডে ছিল প্রচুর, কিছু করো না কিছু করো না, ডাক্তারের কাছে চলো, ডাক্তারের কাছে চলো, ওইখানে করতে পারবে না। চপ্পল ছাড়ো, ব্যাগটা ব্যাগটা তোমার ওইখানে আছে, চপ্পলটা আমি যাচ্ছি যাচ্ছি যাচ্ছি, আস্তে আস্তে মাথা ঘাম করবি, হাঁকি না বল, তুই যাওয়া পরে হাঁকি না বল, নেই দোস্ত আম চালাই না, নেই দোস্ত আম চালাই না, তুই পানি পানি মুখে এলে আমি চালাবো দোস্ত, তুই যদি কিছু মনে করো মনে কর, হাজার অবস্থার কাছে যেখানে আমার শ্বশুর বাড়ি, তারপরে আমি দেখছি চল গাড়ি চালি, যেটা বলি সেটা শোন, নেই আর ফাঁসেঙ্গে ফাঁসবি না, যেটা বলি সেটা শোন দাদা, এভাবে নিয়ে যাচ্ছ
বাই চান্স পুলিশ কেস ফেস যদি একবার দেখে না হয়ে যেতে পারে কেস ফেস হয়ে কিছু হবে না তোকে বললাম তুই শুন না চিপ পিচ করবো চল আমো শ্বশুর কা সামনে চলতে তুই তুই মা যাবি হ্যাঁ কি বল না মা যাবে না তুই ছাড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবি তো পালিয়া আমার শ্বশুর বললাম ফুর তুই চল ওখান থেকে আমি সব সমাধান করে নিচ্ছি আবে ওখান থেকে আমি চানমারি ফানমারি চলে যাব তুই চল না তুই চল না আমি যাব না সামনে বলে তো যাবো বলছি তুই আমার কথাটা শুন না লাউড়া তুই এত বকুটি কেন হসপিটালে নিয়ে যাও আগে আসছে ওইখান থেকে সোজা আমি এখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে জাস্ট ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি এলো আসার পর সামনে ব্রেকটা মেরেছে পুরো এতটা এসছে এখানে নাহলে আমার যে স্পিডটা ছিল মিনিমাম ওর 80 অ্যাবাভ ছিল পুরো মাত্র সোজা আমাকে নিয়ে চলে যেত तो अभी डिटेल में बताएंगे आप लोग को घर जाके तो अभी बंद करके वीडियो पर मूड चला गया वो लोग जो ड्रिंक करके था इसके वजह से ही हुआ नहीं तो वो लोग कंट्रोल कर लेते और पीछे जो बंदा था उसका कुछ नहीं हुआ सामने वाला जो बंदा ड्राइव कर रहा था उसका बहुत ही चोट लग गया और उन लोग के वजह से मैं भी आज बहुत ही बड़ा मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता है मतलब बोलता है ना आप लोग अगर सेफ हो खुद सेफ हो लेकिन आपको कोई भी मार सकता है तो ऐसा ही बात है और तभी भाई लोग जब उठ के फिर से मतलब उन लोग को उठाया उठाने के बाद बंदे को उठाने के बाद उनको बोला कि आप फास्ट एड कर लीजिए मतलब थोड़ा सा इधर का जो डॉक्टर वगैरह है उन लोग के पास चले जाइए तो बंदा इतना पी के था वो तो सुना ही नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा मेरा ससुराल है उधर उधर जाने के बाद मैं जाऊँगा मेरे भाई को लेकर कुछ कहता तो उसके बाद नहीं सुना तो उसका जो दोस्त था उन्होंने भी बोला नहीं तेरे को इस हालत में नहीं लेके जाएंगे उधर तो मेरे साथ चल डॉक्टर के पास तो वो नहीं मान रहा था बंदा तो उसके बाद वो लोग फिर से बाइक को स्टार्ट किए और इसी तरह से चला गया मेरे सामने मेरा रूट से ही जा रहा था मतलब मेरा घर जिधर है उसके उस साइड ही आ रहा था वो लोग मैं नहीं पहचानता उन लोग को तो बोल रहा उधर जाने के लिए तो मैंने बोला इधर साइड में किधर भी कर लीजिए क्योंकि बहुत ही लंबा है कुछ इतना डीप हुआ था उन लोग उनका बहुत ही ब्लड निकल गया था वीडियो में आप लोग शायद देखोगे अभी तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप सेफ खुद चलाते हो फिर भी कुछ भी हो सकता है मेरे आँखों के सामने हुआ मैं अभी जस्ट ऊपर आया और वीडियो कंप्लीट करने के लिए आ गया मतलब आप लोग को समझाने के लिए आ गया तो मेरा सामने पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ होते होते रह गया बस थोड़ा सा डिस्टेंस था वरना मैं सोचा कि मैं चला गया अभी उन लोगों के साथ ही गिर गया तो ठीक है अभी फुटेज देख लीजिए और मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा कि लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ नहीं बोलूँगा तो ठीक है अभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाय